तुर्की के अदियामान शहर में भूकंप के 21 दिन बाद एक घोड़े को रेस्क्यू किया गया है। 27 फरवरी को घोड़े को मलबे से बाहर निकाला गया था। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। तुर्की सीरिया में 6 फरवरी को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था और अब तक कुल 50,325 लोगों की मौत हो चुकी है। अदियामान भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक है।